हम पढ़ रहे थे लाइब्रेरी साइंस। क्या पढ़ रहे थे? लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटेंशन सर्विस। क्या है एक्सटेंशन सर्विस? यानी विस्तार सेवा। अगर मैं विस्तार सेवा की बात करता हूँ तो लाइब्रेरी के अंदर जो विस्तार सेवा होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो पुस्तकालय के अंदर किए जाने वाले क्रियाकलाप, और एक वो कार्य जो पुस्तकालय के बाहर किए जाते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों हुई? पहली बात ये कि आवश्यकता क्यों हुई। विस्तार सेवा क्या होता है? मतलब ऐसी सेवा जो पुस्तकालय के द्वारा अपने पुस्तकालय का उपयोग बढ़ाने के लिए, पाठकों में अध्ययन रुचि उत्पन्न करने के लिए, या पाठकों को नियमित बनाने के लिए, या लोगों को पुस्तकालय से परिचित कराने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विस्तार सेवा। क्या कहते हैं? विस्तार सेवा। और विस्तार सेवा दो प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत एक तो होता है प्रचार और एक आता है प्रसार। पहले आया प्रचार। प्रचार यानी ऐसा कार्य जो पुस्तकालय के अंदर किया जाता है, जैसे पुस्तकालय भवन की स्थिति, पुस्तकालय सेवाएं, या फिर विज्ञापन वगैरह जो निकाले जाते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रचार के अंतर्गत आते हैं। और प्रसार के अंतर्गत वो कार्य पुस्तकालय द्वारा किए जाते हैं, जैसे मैं बात करूँ शाखा पुस्तकालय हो गया, शाखा पुस्तकालय के अलावा जैसे वाचनालय, वाचनालय पुस्तकालय हो गया, और चल पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, शैक्षणिक कार्यक्रम हो गया, ये जितने भी कार्य किए जाते हैं पुस्तकालय के बाहर किए जाने वाले कार्यों क्या कहते हैं? प्रसार कार्य के अंतर्गत आते हैं। ये तो बात करी मैंने प्रचार और प्रसार की, ठीक है ना, विस्तार सेवा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं विस्तार सेवा है ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए अति आवश्यक है। कौन सी लाइब्रेरी के लिए? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। और रंगानाथन के किस सूत्र को फॉलो करती है विस्तार सेवा? तो ये तृतीय सूत्र को फॉलो करती है, ठीक है ना। तो ये विस्तार सेवा में एक से कह सकता हूँ एक पाठकों का अधिकार है। क्या है? पाठकों का अधिकार है जो उनको उनसे परिचित करवाया जाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं जनसंपर्क की। जनसंपर्क जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जनता से संपर्क, जनसंपर्क यानी ऐसे कार्य जनसंपर्क कार्य के द्वारा क्या होता है? पाठकों को पुस्तकालय तक लाया जाता है। किसको लाया जाता है? पाठक यानी यूजर को पुस्तकालयों तक लाया जाता है जनसंपर्क कार्य के द्वारा। और जनसंपर्क कार्य के अंदर कौन कौन सी विधि अपनाई जाती हैं? जैसे पुस्तकों का प्रदर्शन करके, पुस्तकालय बुलेटिन निकाल के, पोस्टर छाप के, या सर्वेक्षण यानी सर्वे करवा के, घर घर जाके उसका एनालाइज करके, पाठक क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, समय की प्रॉब्लम है, या किस प्रकार से उनको जानना, ठीक है ना। और इसके अलावा अन्य विधियाँ भी आती है जनसंपर्क की। अन्य विधियों की बात करें जैसे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो इनको कहानी सुनाई जाए, या फिर पुस्तकें पढ़कर सुनाना, या फिर टीवी और रेडियो इनके माध्यम से समाचार पत्र में विज्ञापन वगैरह एडवर्टाइजमेंट करके भी जनसंपर्क किया जा सकता है। तो ये थी जनसंपर्क की विधियाँ। और मैं बात करता हूँ अब इसका उद्देश्य, किसका? विस्तार सेवा के उद्देश्य की बात करूँ तो गॉर्डनर के अनुसार, किसके अनुसार? ए गॉर्डनर के अनुसार पुस्तकालय का उद्देश्य यही होता है, इसका उद्देश्य यही होता है विस्तार सेवा का, कि पुस्तकालय के उपयोग को बढ़ाया जाए, पाठक के प्रति अध्ययन रुचि पैदा की जाए, और पाठकों को नियमित पाठक बनाया जाए। क्या बनाया जाए? नियमित पाठक बनाया जाए, अनियमित पाठक उसको नियमित किया जाए, और पुस्तकालय के जो भी कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, जो भी है सेवाएं दी जा रही है उससे आम जनता को परिचित करवाया जाए। अब इसके सिद्धांत की बात करूं तो इसके सिद्धांत LR मैकोलविन के अनुसार विस्तार सेवा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ये चार सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पहला आता है पाठ्य सामग्री पुस्तकालय के अंदर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। पहला सिद्धांत तो है अगर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विस्तार सेवा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सामग्री नहीं है, पुस्तकालय के अंदर फैसिलिटी नहीं है, तो क्या मतलब आ रहा है? इसलिए सबसे पहले तो पुस्तकालय के अंदर वहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर पुस्तकालय हैं उनकी रिक्वायरमेंट को, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री पुस्तकालय में होना अनिवार्य है। दूसरा सिद्धांत आता है कि प्रत्येक पाठक की आवश्यकता को पूरा करे, चाहे कैसे भी करे, सामग्री उपलब्ध हो या नहीं हो, उसको कैसे भी सेटिस्फाई करके, दूसरे पुस्तकालय की सहायता लेके, रिसोर्स सेलिंग के जरिए कैसे भी करके पाठक की आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है ना। और तीसरा आता है कि अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करें। ऐसा नहीं कि पुस्तकालय में पुस्तकालय तो है लेकिन उसका यूटिलाइज करने वाले कर्मचारियों पर नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या होगा? इसका उल्लंघन हो जाएगा। किसका उल्लंघन हो जाएगा? विस्तार सेवा का जो सिद्धांत दिया LR मैकोलविन ने, ठीक है ना।
प्रत्येक सेवा जो दी जाती है उच्च कोटि की होनी चाहिए। जो भी सेवा पुस्तकालय द्वारा दी जाती हैं वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। चार सिद्धांत LR मैकॉलवे ने विस्तार सेवा यानी एक्सटेंशन सर्विस के दिए हैं। वहीं विस्तार सेवा को LR मैकॉलवे ने दो भागों में बांटा है, एक तो आंतरिक विस्तार सेवा, एक बाह्य विस्तार सेवा। जैसे हमने प्रचार प्रसार पढ़ा था सेम वही कंडीशन लागू होती है इसके अंदर भी। आंतरिक मतलब वही जो पुस्तकालय के अंदर कार्य किया जाता है, बाहरी कार्य यानी जो पुस्तकालय के बाहर जनसंपर्क किया जाता है या विस्तार कार्य किया जाता है, इस प्रकार से ये आता है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे रंगनाथन की बात करूँ, रंगनाथन साहब रह गए, तो रंगनाथन साहब की बात करूँ तो इसके अनुसार जो विस्तार जो सेवा है इसके कार्य हैं, जैसे निरक्षर आते हैं, अनपढ़ व्यक्ति आते हैं तो वो पुस्तकें पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ऐसी पाठ्य सामग्री का अरेंजमेंट किया जाए ताकि वो भी पुस्तकालय का यूज कर सकें। जैसे अनुवाद सेवाएँ, ठीक है ना, या फिर जैसे कौन कौन से विस्तार से कार्य आते हैं, अनुवाद सेवा हो गया, जैसे बोधिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, पुस्तकालय वार्तालाप किए जाए, संगीत सेवाएँ हों, और कहानी यानी घंटा, और उत्सव तथा मेलों में इस प्रकार से ये विस्तार सेवा के कार्य किए जाने चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सात प्रकार के कार्य विस्तार सेवा के अंतर्गत किए जाने चाहिए। पहला निरीक्षकों के लिए पाठ्य सामग्री, दूसरा अनुवाद सेवाएं, तीसरा बौद्धिक केंद्र, ठीक है, चौथा आता है पुस्तकालय वार्ता, पाँचवा आता है संगीत सेवा, और छठा आता है कहानी या घंटा, और सातवां आता है उत्सव तथा मेले। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक था विस्तार सेवा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगले टॉपिक में।